Yes, sir, don't worry, sir. Sir, I am at it. Sir, हम ढूंढ निकालेंगे, चिंता की कोई बात ना है. Okay, sir. क्या बात है मैडम, आपके गालों की लाली है. मतलब है, क्या बात है मैडम, आप परेशान लग रही हैं. अबे तो परेशान ना हूँ तो क्या करूँ ना, कमिश्नर साहब का प्रेशर आ रहा है, बार बार फोन कर रहे हैं. अबे वो अपोजिशन पार्टी का नेता ना मिल रहा ना, पता नहीं कहाँ गुम हो रखा है. किडनैप विडनैप ना हो गया ससुरा. चलिए तुरंत फटाफट FIR लिखिए. अबे तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं या अम्मा के मुलाजिम हो रहे हैं हम यहाँ पे, कि तैने कही और हम एकदम से जो है घबरा के व्यस्त हो लेंगे सारी जो है FIR लिखने में. कौन है तू? और जो भी हो तुम और जो भी तुम्हारा मैटर है, जरा फटाफट हमारी मैडम से कह दो, वरना एक बार हमारे मैडम के दिमाग की आलू की टिक्की सिक गई ना तो वो एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है अत्याचारिनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है. तुम बोलो. मैडम हमारा नाम है इमरती लाल सरबत शक्कर घोल के. ना तो पी जाऊं. ओहो सदके जामा तेरे, बड़ा मीठा नाम है यार तेरा. है बीवी का नाम क्या है, मलाई या रसमलाई? ओ कान पकड़. हाँ जी प्लीज देखिए अंकल जी, सर जी, माय बाप, हुजूर, प्लीज कुछ बता दीजिए कि क्या मैटर है. मतलब गैस मत करवाइए ना, कई दिन से जो है अंतर्यामी ना हो रहे हैं हम आजकल, तो प्लीज प्लीज बोलिए ना. मैडम मामला यह है कि चिटपुटियागंज चौराहे पर घंटा घर के सामने हमारी शरबत वाली दुकान है शक्कर घोल के. ना तो बंद कर दूं दुकान. अरे दुकान तो वैसे ही बंद हो जाती अगर हमें चोट लग जाती शक्कर घोल के. मैडम हम अपनी दुकान के अंदर बैठ करके शरबत बना रहे थे शक्कर घोल के, तभी ये आदमी अपने स्कूटर के साथ हमारी दुकान में घुस गया और अपने स्कूटर के मडगार्ड से हमें ठोक दिया शक्कर घोल के. मैडम हमारा नाम है पी पुरवार, बदकिस्मती से. एक्चुअली मैडम हुआ ये था कि हम हमारे स्कूटर पे आराम से जा रहे थे, तो जैसे इनकी दुकान के पास से गुजरे तो अचानक कहीं से बर्फ आके हमारे शर्ट के अंदर घुस गई, तो हम ठंड के मारे यूं ऐसे झुरझुराए तो स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया और स्कूटर समेत हम इनकी दुकान के अंदर इनके ऊपर गिर पड़े बदकिस्मती से. अबे ऐसा है, दिमाग किराए पे छोड़ गया है तू कहीं. ना गर्मी के मौसम में एक तू ही घना लकी घूम रहा है, थारे पे ही बर्फ की जो है बरसात हो रही. नहीं मैडम हम सच कह रहे हैं बदकिस्मती से, बर्फ आके गिरी थी और हम चीखे भी थे बदकिस्मती से. हाँ हमारे पास एक गवाह भी है, वहां पे बैठा वो साइकिल वाला, उसने हमारी चीख सुनी थी बदकिस्मती से. समझ गया मैडम समझ गया, टाइम टू कॉल द साइकिल वाला. नाम पप्पू पंचर वाला, हवा भर भर के. अबे जितनी हवा भर रखी है ना रैपटा मार के निकाल दूंगी एक ही मैं. क्या कह रहा है यो? ना जब यो आदमी थारी दुकान के सामने से गुजरा तो इस पे जो है कुछ बर्फ वगैरह आके गिरी ना, जिसकी वजह से यो चिल्लाया और ऐसा मतलब चीखा वीखा ना, के यो बात इसकी सही है, सत्य बोल रहा है यो? बिल्कुल सच है, हवा भर भर के, और मैं तो ऐसी आवाजें आए दिन सुनता रहता हूँ. आए दिन सुनते रहते हो मतलब? मतलब कि मेरी दुकान के सामने जो घर है ना वहां से अक्सर ऐसी चीजें बाहर आती रहती है. यार तुम हमें ना पंबल पूस में मत डालो, मतलब कंफ्यूज मत करो, जरा खुल के बताओ बात क्या है. मैडम जी खुल के बात ये है कि उस मकान में है ना मिनिस्टर साहब का साला रहता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ अपने घर से बाहर फेंकता रहता है और जिसकी वजह से आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं. अबे कौन है यो? मिनिस्टर का साला, बुलवाओ जरा साले ने. आइए सर. आइए आइए प्लीज. सर जी ये है हमारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला जी. कैसी हैं मैडम आप? मैडम क्या कर रही हैं आप, जरा कंट्रोल कीजिए मैडम, मिनिस्टर के साले हैं वो. बहुत सही भाई, वाह आपका हवलदार तो आपसे भी खपा.
वैसे मैडम हम आपको बता दें कि हमारा नाम बबलू बिजनौरी है और हम खाऊ लाल मिनिस्टर के साले हैं। और आपको तो पता ही होगा कि मिनिस्टर का साला सबका जीजा होता है। अब आप हमें जल्दी से बताइए कि हमें यहां क्यों बुलाया गया है। FIR आई है ठाणे में आपके खिलाफ, न कि आप जो हैं रात चलते लोगों पे सामान गेर दिया करें अपनी जो है खिड़की से और उनका एक्सीडेंट हो जावे। कल जो है आपने बर्फ गेर दी एक आदमी पे। आप फेंकी, मैंने फेंकी, क्योंकि मेरी बीबी ने शरबत में बहुत ज्यादा बर्फ डाल दी थी, इसलिए मैंने शरबत से भरा हुआ ग्लास नीचे फेंका। घपा। वो तो ठीक है सर, लेकिन हुआ क्या कि वो जो आपने बर्फ फेंकी ना, वो एक आदमी के शर्ट में घुस गई और वो आदमी एक्चुअली अपना स्कूटर चला रहा था तो उसका बैलेंस भी बिगड़ गया और वो एक दुकान में घुस गया और उस दुकान के मालिक के ऊपर अपने स्कूटर के साथ चढ़ गया सर। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? बोलो, बोलो, क्या करूं? मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मैं मिनिस्टर का साला हूं और मिनिस्टर का साला सबका जीजा होता है। सस्पेंड करवा दूंगा, सबको सस्पेंड करवा दूंगा। अगर ये बात जीजा को पता चल गई ना तो आप सब लोग खपा। सही है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है, जो केस हम निपटा देंगे। ओके मैडम, खपा। अंकल, आपको पुलिस में नहीं हॉस्पिटल में होना चाहिए। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ, एकदम डॉक्टर वाली पर्सनालिटी है ना मेरी। नहीं, पेशेंट वाली। मम्मी जी, मम्मी जी, वो पीपी आ रहा है, गेट रेडी। अबे ओ, जो काम दिया है ना वो कर, मन्ने ना सिखा, गेट रेडी और ये सब, चल निकल। अरे मैडम, ये आपको क्या हो गया? हाँ, तबीयत खराब है? अबे तबीयत खराब बावड़ा हो गया है के? बाहर ठंड कितनी पड़ रखी, बर्फ गिर रही से। क्यों मजाक करे मैडम आप हमारी, अरे बाहर तो कड़कती धूप है। अबे तू बावड़ा हो गया है के? अरे हमारी कपकपी छूट रही से, बर्फ पड़ रही से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम चेंज हो गया, डोंट वरी। मैडम ये देखिए कितना कितना पसीना हो रहा है, बाहर कड़कती धूप है। अबे बर्फ, चल दिखा, चल। अरे काके, चल आगे, रेडी। अबे यो देख, अबे यो स्नो फॉल ना है तो के हेयर फॉल हो रही है यो। नहीं नहीं नहीं, ये तो स्नो फॉल ही है बदकिस्मती से मैडम। लेकिन आप ऐसे कैसे? अबे ऐसे के मन ने बे रहा था कि तू साले जो है ना मोटी चमड़ी का गेंडा टाइप आदमी हो रहा है, इसलिए जो है यो प्रूफ करने के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए हमने एक मौसम विभाग की जो है लेडीज को बुलवा रखा है, वो आएगी और तन्ने बताएगी कि क्यों हो रही है ऐसी बेमौसम स्नोफॉल। हाँ मैडम, मौसमी तूफानी। नमस्ते। नमस्ते। जरा देखिए इन्हें बताइए कि क्यों हो रही है ऐसी स्नोफॉल, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा मतलब क्यों हो गया मौसम में परिवर्तन? गोला, बर्फ का गोला पिघल रहा है, बर्फ का गोला, क्योंकि फट गया है ओजोन का झोला, इसलिए कभी भी हो सकती है बर्फबारी। आर यू मैरिड? आई एम कुमारी। तो ये क्या है मैडम बदकिस्मती से? अबे मन ने बेरा है भैया, यो देखे मिस तूफानी, यो राणा कतई ढीठ एकदम जिद्दी का सनी देओल हो रहा है, यो मानेगा नहीं। आप जरा कुछ जरा पर्सनल डिटेलिंग में जरा समझाइए। भोले हु? बहुत ही भोले हैं आप। देखिए जिस तरह आजकल ठंड के मौसम में ठंड नहीं होती और जनवरी के महीने में ही गर्मी शुरू हो जाती है, बदल रहा है मौसम का जमाना, क्या कबूल करेंगे आप मेरे प्यार का नजराना? हाँ
हम समझ गए कि ये जो है ना वो बर्फबारी है। माने मैडम, जो कल हम पर जो बर्फ गिरी थी वो किसी ने गिराई नहीं थी, बल्कि वो मौसम की बर्फ थी बदकिस्मती से। मैडम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए, अब हम चलते हैं। आप मुझे जरा लिफ्ट दे देंगे प्लीज? मैडम संभालिए, मौसम बदल रहा है। सुनिए। वाह मैडम, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। मैं अपने जीजा से आपके प्रमोशन की सिफारिश जरूर करूंगा। घपाक। ओह, आप शाम को क्या कर रही हैं? आज शाम को तुम हे अबे यो चौकी का हवलदार हो रहा है यो साहब। घपाक। मैडम मुझे तू यो मौसम विभाग की जो है मैडम का कस्टूम पहन के आया यो? हाँ। अबे सेठानी लग रहा है, हलवाई की बीवी लग रहा है, इसमें चुन्नी चाची हो रहा है कतई। चल जा कपड़े बदल। रंगीला। अरे बबलू जी, आप ऐसे अचानक? आइए आइए आइए। मैडम बबलू जी। मैडम क्या है कि आज हमने पानी से भरा हुआ जग नीचे फेंक दिया और वो उसी आदमी को ऊपर जाके गिरा है जिसके ऊपर बर्फ गिरी थी। तो वो आ रहा होगा, आप लोग जरा संभाल लीजिए हैं। और आपको तो पता ही है कि मैं मिनिस्टर का साला हूँ और मिनिस्टर का साला सब का जीजा हुंदा है। घबरा। आप जरा ऐसे बैठ लो, हम देख लेंगे। गुड गुड, वेरी नाइस, गुड। अब क्या? ओके मैडम। समझ गया जी। अरे आप हमारी बात मानिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। अरे मैडम जी, इसको देखिए, एक बार फिर अपना सखूटा लेकर के हम पे पिल पड़ा शक्कर घोल के। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था बदकिस्मती से। एक्चुअली हुआ ये था मैडम कि आज फिर से है ना, हम अपने स्कूटर पर बैठकर आराम से जा रहे थे, इनकी दुकान के नीचे से गुजरे और इस बार अचानक हमारे सर के ऊपर पानी गिर पड़ा, छप्पक। हमारा स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया और हम स्कूटर समेत इनकी दुकान के अंदर इनके ऊपर गिर पड़े। और ये साइकिल वाले ने हमारी चीख भी सुनी है ना। हाँ, आज इसके ऊपर सामने की खिड़की से पानी गिरा था, हवा भर भर के। मैडम देखिए ना, मौसम भी कैसा अजीब हो रहा है। थोड़ी देर पहले धूप थी और अचानक बारिश। सुन लिया, अबे मौसम चेंज हो गया है बाहर न, जैसे इस पे गिर गई बारिश, थारे पे भी जो है मौसम चेंज होने की वजह से बारिश गिरी है। अरे क्या बात करती मैडम, अरे बाहर तो कड़कती धूप है। आइयो जरा, आ दिखाऊं। आइयो। ओए काके, चल शुरू हो जा आगे। अबे यो देख न के यो, अबे यो बारिश हो रही तो क्या कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं। हाँ हाँ मैडम, सचमुच में ये तो बारिश हो रही है बदकिस्मती से। सॉरी मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम चलते हैं, लगता है हम पर बारिश का पानी गिरा था। चलो चलो चलो। वाह मैडम वाह, अब मैं अपने जीजा से आपकी सिफारिश जरूर करूंगा। घबा। क्या है मैडम, ये क्या है मैडम? ये मिनिस्टर का साला हमारा बैंड पे बैंड बैंड पे बैंड बैंड पे बैंड बजाए जा रहा है और आप चुप हैं, कुछ कर भी नहीं रही हैं। कुछ करिए मम्मी जी। ऐसा है, एक तो कल सवेरे इसको साले को मिनिस्टर के जो है साले को धर के लाओ अरेस्ट करके। yes! और उससे पहले जरा उस पीपी को बुलवाओ एक बार, फिर ना उसको समझाऊं करना क्या है। और तुम सुनो, तुम्हें क्या करना है। मैडम ये सब क्या है, मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है? आप लोग भूल गए कि मेरा जीजा मिनिस्टर है। घबा। अबे जीजा मिनिस्टर वगैरह सही है, तेने वो जो जग मारा था ना पानी का पी पी पे, अबे वो जग लगने से उसको हेड इंजरी हो गई है। अरे पानी से भरा हुआ जब जग मारा था तब वो हेलमेट लगाए हुए था, और वैसे भी कल यहाँ चौकी में आया था तो भला चंगा था। घबा। जो भला चंगा है, भला चंगा है यो। अंदरूनी चोट लगी थी गर्दन पे, एथे एथे देख। आज सुबह इसने मुझे फोन किया और कहा कि गुलगुले
गर्दन में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है और बस हम बातें कर ही रहे थे कि की करिए जी, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, आपको फांसी तो देनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे होगी फांसी? आप लोग भूल गए कि मेरा जीजा मिनिस्टर है, कोई तो रास्ता होगा। गप्पा। अबे रास्ता एक ही है, ये जो सामने पड़ी है ना लाश, इसको ठिकाने लगवाओ। तो लगाइए ठिकाने। गप्पा। अबे ऐसे कैसे लगाइए ठिकाने, रिस्की बिजनेस हो रहा है यो, खाने का काम ना है लाश ठिकाने लगाना। ना तू तो अपने मिनिस्टर जीजा के लिए हो जाएगा एकदम उन्हीं के संग, और हम ना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे पुलिस की से। हाँ लेकिन एक तरीका है मैडम, एक तरीका हो सकता है कि अगर ये लाश हम ऐसी जगह ठिकाने लगाएं, मतलब जैसे कोई फार्म हाउस टाइप की जगह हो, शहर से जरा सी दूर हो, तो फिर। हाँ है फार्म हाउस। है? मेरे जीजा का फार्म हाउस है, इस लाश को वहीं पे ठिकाने लगा दीजिए। बस, और जीजा तो मेरे साथ है। अबे शुरू से सुनने, जीजा का साला हूँ, जीजा साथ है, जीजा मिनिस्टर है, अबे कहाँ है जीजा? बेटा लाश जो है तभी ठिकाने लगेगी अगर जीजा मौजूद हो गारंटी लेने के लिए। गारंटी जीजा साथ होंगे। ओ जल्दी निकालो लाश ने। जी मैडम। चलो आइए आइए आइए, मैं अभी का इंतजार कर रहा था। रो भाई, तुम्हारे कहने पर तुम्हारे जीजा के फार्म हाउस तो आ गए, अब इस लाश को दफनाना कहाँ है ये बताओ। अरे यही कहीं दफना दीजिए। अबे पहले अपने जीजा ने बुलवा साले। जीजा और जीजा खपा। अरे आगे रे बबलू, काहे घबरा रहा है? हम ही इसके जीजा जी हैं, हम नेता हैं यहाँ के। बबलू ने हमको सब बता दिया है, आप लोग बिल्कुल फिकर मत करिए, इस लाश को कहीं भी दफना दीजिए, आप लोगों का कुछ नहीं होगा, हम और आप लोगों का प्रमोशन भी करवा देंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। नहीं वो सब तो सही है, लेकिन अगर ये लाश किसी को मिल गई तो? अरे ऐसे कैसे मिल जाएगी, जीजा ने ना जाने कितने लोगों को यहाँ दफना दिया है। क्यों जीजा? धप्पा। अरे तीन दिन से अपोजिशन का नेता गायब है, किसी को खबर लगी? नहीं ना। बुलाऊं? मिलना चाहोगी? ए, ले उसको। ये देखो, ये है ना। सुनो, इस लाश के साथ इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ ठिकाने तो जरूर लगेंगे, पर यो दोनों नहीं बल्कि तुम जीजा साले। यो सब मारी चाल थी, और यो यो कोई मरा ना है, जिंदा है यो। अबे उठ, थारे फार्म हाउस को पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा है, अपोजिशन पार्टी के नेता को अगवा करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन आप सालों ने जाओ। क्या? अरे चला निकलो यहाँ से, चला चलो। नेताजी आप हमारी जीप में बैठिए, हम आपको घर छुड़वाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, अरे आपने तो कमाल कर दिया बदकिस्मती से। इसीलिए तो कहते हैं जो सच को दिलाती है इंसाफ और झूठों का करती है मुंह काला, उसे कहते हैं चंद्रमुखी चौटाला। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।